तो दोस्तों, आजकल आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका हर जगह बोलता है कि हम भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं, जिसकी झलक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप सभी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में देखी जाती होगी। और साथ में अमेरिका भारत को अपने एडवांस और प्राइम हथियार देने को भी तैयार है, ताकि भारत और रूस के बीच में जो दोस्ती है और रूस के ऊपर जो खासकर भारत की निर्भरता है उसको अमेरिका कम कर दे और अमेरिका के साथ भारत अपनी दोस्ती को बढ़ाए। इसके लिए अमेरिका की तरफ से कई बार भारत की मित्रता के बयान दिए जाते हैं। पर आप सभी भी जानते हो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां पर एक ओर अमेरिका बोलता है कि भारत को हम अपना एक अच्छा मित्र बनाना चाहते हैं, वहीं पर दूसरी ओर आप सभी देखोगे कि जब से अमेरिका में जो बाइडन सरकार आई है, तब से भारत के अंदर अमेरिका का एक भी राजदूत नियुक्त नहीं हुआ है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। वहीं पर अपने पड़ोसी देश में आप देखोगे तो पाकिस्तान के यहाँ पर बाकायदा अमेरिका ने अपना एक राजदूत नियुक्त किया है, जो कि भारत के पीओके को लेकर अभी हाल ही के दिनों में एक विवादित बयान दे चुके हैं। वैसे आप सभी को बता दूं कि अमेरिकी राजदूत के ही नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत बड़ा समर्थन दिया और इनकी एयरफोर्स के लिए $450 मिलियन का पैकेज दिया, ताकि पाकिस्तान के जो जहाज हैं उनको अपग्रेड किया जा सके। पर यदि भारत की बात आती है तो भारत के साथ अमेरिका को दोस्ती तो करनी है, परंतु अपना एक भी राजदूत बाइडन सरकार आज तक भारत में नियुक्त नहीं कर पाई। मैं से आप सभी को बता दूं, यदि दो देशों के बीच में अच्छे राजनीतिक संबंध बनाने हैं तो एक राजदूत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, परंतु इस बात को बाइडन सरकार शायद ज्यादा महत्व नहीं देती है। इसलिए बाइडन सरकार ने अभी तक भारत के अंदर अमेरिका का कोई राजदूत नियुक्त नहीं किया है, परंतु मीडिया इसके ऊपर चुप नहीं रहने वाली है और मीडिया ने आखिरकार आज अमेरिका से पूछ ही लिया कि भारत के साथ आप दोस्ती तो करना चाहते हो, परंतु आपका एक भी राजदूत अमेरिका की तरफ से भारत में नियुक्त क्यों नहीं किया गया। तो इसके ऊपर अमेरिका के व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव हैं जीन पियरे जी, उन्होंने बोला कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और रही बात अमेरिकी राजदूत की भारत के अंदर नियुक्ति की, तो इसके ऊपर अमेरिका की संसद में विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही बहुमत के साथ कोई ऑफिशियली तौर पर जो अमेरिकी राजदूत है वो भारत के अंदर नियुक्त किया जाएगा। वैसे आप सभी को क्या लगता है और इस पूरे मामले पर क्या आप सभी भी मानते हो कि अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है? कमेंट बॉक्स में प्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।